हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के स्टडी में हम पढ़ने वाले हैं जो वेटेड एग्रीगेट इंडाइसेस है, क्वांटिटी, राइट। उसके हम सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हम लेस्पियर, पार्शेस, फिशर आइडल इंडेक्स और देखेंगे इसमें बाउलिस डॉरविश मेथड, ठीक है। तो इसमें हम ये सारे क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम इनके फॉर्मुलेस डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल वेटेड एग्रीगेट मेथड ऑल एग्रीगेट इंडाइसेस ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको तीन कॉमोडिटी देकर रखी है, प्राइस आपको देकर रखा है बेस ईयर और करंट ईयर का, राइट। और साथ में आपको क्वांटिटी देकर रखी है बेस ईयर और करंट ईयर की। तो देखिए, यहाँ पे जो बेस ईयर का प्राइस रहता है, हम सभी को पता है, हम उसको डिनोट किससे करेंगे, पी जीरो से। करंट ईयर का प्राइस रहता है, उसको डिनोट करते हैं पी वन से। वैसे ही बेस ईयर की जो क्वांटिटी है डिनोट करेंगे क्यू जीरो से, और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है डिनोट करेंगे इसको हम क्यू वन से, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे लेस्पियर्स मेथड का, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा वो लिखेंगे हमारा लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स, राइट, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स। तो आप सभी को पता होगा कि जो लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स है उसमें हम लोग जो वेट मानते हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं, हम जो हमारा बेस ईयर का प्राइस रहता है उसको हम क्या मानते हैं, एज ए वेट ट्रीट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, टोटल ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ Q0, ये तो हमको लिखना ही है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो बेस ईयर का प्राइस है ना, उसको अपने से वेट मानते हैं वो लिख देना है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको 100 से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पे, एक तो मुझे फाइंड करना है Q1 into P0। तो Q1 मतलब क्या हो जाएगा, करेंट ईयर का प्राइस, ये लिख दूंगा मैं Q1 और इनटू करेंगे P0 से, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना था। देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 ये दिया P1 हमको, और फिर P0 जो हमको फर्स्ट कॉलम में दिया है, तो 4 का इनटू किस में होगा, 50 में, ठीक है। ये 4 का इनटू करेंगे हम 50 में, तो ये हो जाएगा 4 इनटू 50 200। फिर 3 का इनटू, 3 का इनटू हम किस में करेंगे, यहाँ पे 12 में करेंगे। तो 12 इनटू 3 जब मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 इनटू 3, 12 इनटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36। फिर नेक्स्ट 2 का इंटू किस में करेंगे, 6 में, P0 Q1 का इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे Q0 P0। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे Q0 टाइम्स P0। तो जब मैं Q0 P0 निकालूंगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है मुझे, कि मुझे यहाँ पे Q0 P0 के लिए कौन कौन सी वैल्यू लेना है, Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी और P0 बेस ईयर का प्राइस, ये लेना है। तो 4 का इंटू हम 60 में करेंगे, तो 4 6 20 मान ले 240 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर जब हम करेंगे 3 का इंटू 20 में, तो 3 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। और नेक्स्ट जब मैं 2 का इंटू करूँगा 10 में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20। बस आपको इसका टोटल करने का है, तो टोटल जब आप करेंगे तो क्या आएगा इसका टोटल, ये टोटल आ जाएगा Q1 P0, तो 236 और 12 ये हो जाएगा 248। सिमिलरली जब मैं टोटल करूंगा Q0 P0 का, तो ये हो जाएगा 240 और 60 320, ये हो जाएगा 320, राइट। ये वैल्यू उठा के आपने रख दीजिए लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स में। तो हमारा फॉर्मूला क्या, लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स में जब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो ये Q01 ये कितना जाएगा, टोटल ऑफ Q1 P0 है तो ये हो जाएगा 248 न्यूमरेटर में आएगा टेबल से, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा यहाँ पे Q0 P0 का टोटल जो कितना आ रहा है 320 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 320 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, हमको 100 से करना है। तो मेरा जो क्वांटिटी इंडेक्स है लेस्पियर्स क्वांटिटी इंडेक्स वो आ जाएगा यहाँ पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 248 को 320 से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ आएगा 0.775 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 77.5, राइट। ये आ गया मेरा क्वांटिटी इंडेक्स, कौन सी मेथड से, लेस्पियर्स मेथड से, राइट। तो ये हो गया मेरा पहला वाला पार्ट, जो लेस्पियर्स पार्शेस है ये सारे मेरे वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स रहते हैं, है ना। यहाँ पे अपन को वेट अलग अलग तरीके से असाइन करना पड़ता है। तो लेस्पियर्स में जो वेट है वो किसको मानते हैं हम, यहाँ पे बेस ईयर का जो प्राइस है उसको अपन वेट मानते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड है सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शेस, पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। तो जो पार्शेस क्वांटिटी इंडेक्स है इसमें हम इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, तो देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
जो पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो करेंट ईयर का प्राइस है उसको एज अ वेट मानते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल ऑफ क्यू वन और टोटल ऑफ क्यू जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, करेंट ईयर के प्राइस से। तो यहाँ आ जाएगा पी वन और नीचे भी कितना लिखेंगे पी वन। तो पार्शियस में हम लोग क्या करते हैं, जो करेंट ईयर का प्राइस रहता है उसको हम क्या मानते हैं, वेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी वन। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्यू वन इंटू पी वन का टोटल। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्यू वन और पी वन का टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम निकालेंगे क्यू वन इंटू पी वन। तो Q1 P1 जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो देखिए Q1 P1, तो Q1 मतलब करेंट ईयर का प्राइस और P1 मतलब करेंट ईयर की क्वांटिटी, है ना, करेंट ईयर का प्राइस, करेंट ईयर की क्वांटिटी, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का इंटू करा मैंने 50 में, तो 50 इंटू 12 जब मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे 600। फिर 12 का इंटू करा मैंने किस में, 10 में, तो 10 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे 6 × 6 दैट इज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, ये होगी वैल्यू। लास्ट कॉलम में मैं क्या फाइंड करूंगा यहाँ पे क्यू जीरो पी वन, तो मैं आपको फाइंड करना रहेगा यहाँ पे क्यू जीरो पी वन। क्यू जीरो मतलब, क्यू जीरो मतलब हो जाएगा बेस ईयर का क्वांटिटी और पी वन मतलब क्या हो जाएगा, करेंट ईयर का प्राइस। तो इनका इंटू करना दोनों का, तो 12 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, 12 × 60 हमने करा तो ये हो जाएगा 720। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 × 20 करा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। और फिर नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे। तो जब आप इसका टोटल फाइन करेंगे तो ये कितना रहेगा, टोटल ऑफ क्यू वन पी वन। तो जब मैं टोटल ऑफ क्यू वन पी वन निकालूंगा तो ये कितना जाएगा 600 और 120, 720, 720 में जब 36 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 756। ठीक है, ये आएगा इसका टोटल। वैसे ही हम टोटल फाइंड आउट करेंगे किसका, Q0 into P1 का। तो ये 720 और 200 ये हो जाएगा 920। ठीक है, 920 और 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 980, राइट, ये आ जाएगा हमारा टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे, बस डिवाइड करना है आपको वैल्यू से। तो क्या आएगा यहाँ पे, जो पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स है Q01 ये आ जाएगा टोटल ऑफ Q1 P1। तो टोटल ऑफ Q1 P1 कितना आ गया 756। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल ऑफ क्यू जीरो पी वन से, कितना आ रहा है 980, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे तो 756 को जब 980 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये कुछ आएगा 0.7714 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स है वो कितना रहेगा यहाँ पे 77.14, राइट, ये आ जाएगा हमारा पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम देखेंगे फिशर आइडल इंडेक्स। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है वो रहेगी यहाँ पे फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, राइट। तो फिशर्स आइडल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, प्राइस इंडेक्स में भी हम लोगों ने देखा था, क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी देखा था। आपको यह करना है कि फिशर आइडल क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो आप लोग क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स आया उसका मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स से करने का है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर और पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेना तो आपको मिल जाएगा फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ रख देना, सॉल्व कर लेना, वो भी आंसर आएगा। बट अपन ज़्यादा ईजी है ना, हमने ये दोनों फाइंड तो कर ही लिए हैं, बस वैल्यू पुटअप करने का है। तो देखो वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग तो क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट ईयर कितना आ रहा है यहाँ पे 77.5। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स आ गया, और पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा 77.14, राइट, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके जब रूट निकालेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 5978.35, ये आएगा इसका स्क्वायर रूट। और जब आप इसका रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो रूट फाइंड आउट करने पे
ये आएगा 77.31, ठीक है, ये आ गया मेरा फिशर आइडल इंडेक्स नंबर 77.31। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है हमारे यहाँ पे बॉली डॉर्विश, ठीक है। तो बॉली डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि हम यहाँ पे इजीली इसको लिख सके फॉर्मूले को, क्योंकि टेबल का काम हमको नहीं पड़ेगा इसमें हम, क्योंकि लैसक्यूर और पार्शियल हम इजी पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो फोर्थ मेथड है जो, वो है बॉलिस डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स, बॉलिस डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स। तो देखिए जो बॉलिस डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स है इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स, बहुत सिंपल लॉजिक है कि आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है किसका, लेस्पियर्स और पाशेस का। तो लेस्पियर्स प्लस पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स, इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से, बस ये खत्म हो जाएगा। तो बताइए लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स कितना आया था, 77.5, प्लस पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स कितना आया था, 77.14, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा ये, Q01 इक्वल्स टू, तो 77.5 प्लस 77.14 जब आप लोग करेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 154.64, ये आ जाएगा 154.64, और डिवाइड जब हम इसको 2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये, 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 77.32, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें मिल जाएगा ये बॉलिस डॉर्विश क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सारे हमारे आंसर्स आ गए यहाँ पे, राइट, ये सारे हमारे यहाँ पे आंसर्स आ गए। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है ना, इसलिए मैंने फॉर्मूले का वीडियो अलग से बनाया था, अगर आपको फॉर्मूले माइंड में क्लियर है तो कैलकुलेशन करके बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते सारी चीज़ें, है ना, ज़रा प्रैक्टिस लगे एक दो बार। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया। दूसरा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्शल एजवर्ट क्वांटिटी इंडेक्स के न्यूमेरिकल, राइट, मैं यहाँ बता सकता था वो, बट यहाँ पे क्या होता है उसमें जो वेट है उसको अपन अलग तरीके से अज्यूम करते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।